हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी सिंपल फोटो को स्केच जैसी बनी हुई फोटो कैसे बना सकते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से स्केच बनाते हैं पेंसिल से, उसी तरह से जो कि आप अपनी फोटो को बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोटो को सिलेक्ट करना है बस, आपको और कुछ नहीं करना है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो कि आप अपनी फोटो को स्केच वाली फोटो बना सकते हो। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना प्रेस, किया वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अभी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो कि आप अपनी सिंपल फोटो को आप एकदम जैसे स्केच बनवाते हैं उस तरह की फोटो आप कैसे बनवा सकते हैं। तो सिंपली आपको इस एप्लीकेशन की ज़रूरत लगेगी। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसे इंस्टॉल करके इसे ओपन कर लेना। तो चलिए, मैंने इस एप्लीकेशन को जो मैंने ओपन कर लिया, उसके बाद आप जैसे इस एप्लीकेशन को आप पहली बार ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद आपको गैलरी पर क्लिक करना है और अपनी फोटो को एक सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर जैसे मैं गैलरी पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहां से मैं अपनी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो अभी मैंने अपनी ये वाली फोटो को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, उसके बाद ये जो है अभी लोडिंग होगी और उसके बाद यहाँ पर जो मेरी जो फोटो वो स्केच की जा रही है, यानी कि बनाई जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं किस तरह से हमारी जो फोटो है स्केच में बदली जा रही है। तो अभी कुछ देर लगता है यहाँ पर स्केच में बदलने के लिए, तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, आप देखते रहें यहाँ पर। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी स्केच बना रहा है और यहाँ पर जो फोटो बनती है ना बहुत ही अच्छी लगती है। उसके बाद आप इसे गैलरी में सेव कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे कहीं पर भी किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद अभी आप देखते हैं ये एक तरफ से पूरा एकदम स्केच बना रही है। उसके बाद यहाँ पर अभी हमारी जो फोटो है पूरी कम्प्लीटली बन जाएगी। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। तो अभी हमारी फोटो कंप्लीट हो चुकी है, बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जैसे आप टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये जो हमारी फोटो है इसे हमें गैलरी में सेव करना है, तो यहाँ पर आपको एक सेव करने का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर देते हैं, उसके बाद ये हमारी फोटो सेव हो चुकी है। उसके बाद अगर आप इसे मतलब कि और भी यहाँ पर आपको इसमें फीचर्स दिए जाते हैं, अगर आपको इनमें बदलनी है अपनी फोटो को, तो यहाँ पर आप उस पर क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही उसके बाद आप उसमें भी अपनी फोटो को चेंज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर जैसे मैंने दूसरा ही क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर जो कि मेरी फोटो ज़्यादा ही फीकी हो चुकी है, ज़्यादा ही बदली हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ अपनी फोटो को, तो यहाँ पर जैसे मैंने डार्क कलर ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद जो हमारी फोटो है इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल डार्क हो चुका। तो इसी तरह से जो कि आप अपनी फोटो को भी बना सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देना प्रेस, किया वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।